हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करेंगे के की, क्या है? वो पहले समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे भारतीय संविधान भी कहा जाता है हिंदी में उसके मेन आर्किटेक्ट बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर जी है ओके okay? बाबा साहेब आंबेडकर जी है एंड इन्होंने इनके गाइडेंस के अंडर हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने क्रिएट किया था कॉन्स्टिट्यूशन एक सब एक किताब है जिसके अंदर कैसे एक कंट्री कैसे एक गवर्नमेंट कैसे एक देश चलाना है कैसे उसको वर्किंग करना है कैसे क्या रूल्स क्या लॉस फॉलो करने हैं सिटीजन को एंड गवर्नमेंट को एंड कैसे एडमिनिस्टर करना है So, ये सारी बातें ये सारा डिटेल उस किताब में लिखा गया है एंड ये हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करती है इसके अंदर हमारे ड्यूटीज हमारे राइट्स हमारे गोल्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये बातें सारी लिखी गई है और उसी को एक देश जो है फॉलो करता है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा यू you नो know, एक ब्लू प्रिंट है जिसके बेस पे पूरा सिस्टम पूरा कंट्री चलता है सिंपल भाषा में वो एक गाइडलाइंस है जिससे देश कैसे चलाना है वो उसके अंदर लिखा हुआ है है कैसे एक कंट्री को है? को रन करना उनके क्या राइट्स देने हैं हैं उनके लिए क्या क्या करने उनको क्या करने उनको हमें देना है ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है ओके ये इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं उस चेंजेस को कहा जाता है अमेंडमेंट क्या कहा जाता है अमेंडमेंट तो हर एक जो बात उसमें लिखी है वो एक एक्ट होता है एक्ट होता है एक लॉ बिल पास होने के बाद वो एक्ट बन जाता है उसे फॉलो करना होता है अगर वो तोड़ा जाए तो फिर वो उसके खिलाफ यू नो एक्शन लिए जा सकते हैं सो so, एक्ट को एक्ट इज बेसिकली लॉज जिसको फॉलो करना होता है हर एक को ओके इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी इसके अंदर आ जाती है सो so, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी गई है एंड इसके अंदर जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे वो चेंज होते ही जाता है सो so, एक तरह के प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक चेंज होने वाली चीज जिसके अंदर जैसे रिक्वायर आती है सिचुएशन चेंज होते हैं उसके अनुसार चेंजेस लाना जरूरी होता है ओके okay? सो so, ये पूरा सिस्टम वर्किंग यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके क्विकली लेट मी शेयर द टेक्स बुक विद यू गाइज अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दिस इज योर टेक्स्ट बुक एज यू कैन सी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन योर फर्स्ट चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस सिविक्स ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग ओके द टेक्स्ट बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट The 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 values and the philosophy of Indian Constitution, as also the governing structures created by the Constitution and India's place in the international relation. तो so अभी तक ये सारी बातें पढ़ ली है uh, you know ninth standard तक में ये सारी बातें आपने पढ़ ली है ओके okay? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की philosophy क्या है उसके वैल्यूज क्या है लोकल गवर्नमेंट कैसे चलती है लोकल गवर्नमेंट क्या है इसके बारे में आपने चीजें जान ली है ओके okay? हम अब क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स ऑब्जेक्टिव है सेक्यूलर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो ये समझते हैं पहले सेक्युलर क्या होता है सेक्युलर वर्ड का सिंपल मीनिंग ये है कि सभी को हमारे यहां पे सभी को अपने हिसाब से रिलीजन फॉलो करने का हक है सबको अपना खुद का राइट्स दिया हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेटिक यानी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का भावना डेमोक्रेसी की पॉलिसी अपनाई गई है डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि लोगों के पास पावर हमने दिया हुआ है एवरी पर्सन हैज द पावर टू रिप्रेजेंट हिज वॉइस हिज ओपिनियन सो ये

रिपब्लिक uh, उसको कहा जाता है ओके इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन ओके, ऑल्सो इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी गई है कि इंडिया में सारे सिटीजन्स को जस्टिस मिले और फ्रीडम मिले वो हमेशा प्रोटेक्टेड फील करे ओके प्रोविजंस यानी ये चीज प्रोवाइड की गई ये चीजें हमें फैसिलिटी दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज थ्रू अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ही एक जरिया है हमारा जिससे हम एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे एक प्रोग्रेसिव यानी जो प्रोग्रेस करती रही लाइफ में आगे और बेटर होती जाए डेवलप और बेटर होती जाए वो जिसमें सोशल जस्टिस हो यानी सोशल का मतलब होता है सोसाइटी रिलेटेड यानी आपकी जो सोशल लाइफ होती है आपके आपके आसपास के लोग जो है वो पूरा मिलके सोश, सोशल लाइफ करते हैं सो so आपको सोशल जस्टिस मिले आपके साथ कोई भी भेदभाव ना हो कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपको इक्वालिटी इक्वलिटी मिले हर एक को इक्वल मौके मिले हर चीज के सो so ये एक ऐसा एनवायरमेंट एक ऐसा कंट्री हम डेवलप करें और उसके तरफ हम बढ़ते रहे ये Means, ये इस चीज में हमें इंडियन है okay? the तो एकदम सिंपल सा की कॉन्स्टिट्यूशन कब से वर्किंग में हमने कब से उसको लागू किया हमारे कंट्री में नाइनटीन फिफ्टी में ट्वेंटी सिक्स जैन इसीलिए रिपब्लिक डे भी माना जाता है से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया उस उसका यूज चालू कर दिया फ्रॉम दैट डेट और वही प्रिंसिपल्स पे हमारा पूरा गवर्नमेंट और पूरा कंट्री चलता है इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ब्रीफ यानी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ब्रीफ का मतलब ज्यादा डिटेल नहीं होता है एक्चुअली ओके ऊपर ऊपर से ब्रीफ ओवरव्यू देखो ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर से ऑफ वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट दैट

रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं है इससे बहुत कुछ ज्यादा इसका मीनिंग है इसके ज्यादा वाइड मीनिंग मीनिंग है 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 इसका है इसका ब्रॉड तो वो देखते है क्या पॉलिटिकल दैट इज डेमोक्रेसी डज नॉट इंप्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर तो मैंने अब भी जैसे आपको बोला कि ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह से लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना अपने आप को अपनी आवाज अपनी आवाज उठाने के लिए हम किसी को चुनते हैं किसी को हम अपने लिए खड़ा करते वो हमें रिप्रेजेंट करता है जैसे लेट्स लेट्स से एग्जांपल, आप इंडिया को रिप, अगर आप फॉरेन कंट्री में कोई गेम या कोई चीज से रिलेटेड बाहर जाते हो सो वहां पे आप किसको रिप्रेजेंट करते हो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो सो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोग लोगों के व्यूज रिप्रेजेंट होता है डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर तो ये सिर्फ उतना ही नहीं है उससे बहुत कुछ आगे है डेमोक्रेसी तो वो देखते हैं क्या है एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एन एक्चुअल प्रैक्टिस तो बोलते एसेंस एसेंस यानी क्या होता है किसी भी चीज की मेन मुद्दा मेन बात उसकी क्या है उसकी मेन जैसे एसेंस इंपॉर्टेंस uh, उसका मेन मेन क्या है रिप्रेजेंटेटिव so, सिस्टम का प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली प्रैक्टिस कितनी होती है एट द ग्राउंड लेवल कितना वो प्रैक्टिस हो रहा है हम बोलने को सिर्फ बोल दिए कि डेमोक्रेसी लेकिन एक्चुअल लाइफ में रियल लाइफ में अगर वो प्रैक्टिस ही ना हो तो वो फिर कोई फायदा नहीं है सो so, ये यहां पर हम देखेंगे

इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियमेंट और इसीलिए अकॉर्डिंगली मतलब ये जो हम करना चाहते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसलिए हम क्या करते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग इंडियन पीपल लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पार्लियमेंट में पहुंचता है हम हमारा नेता चुनते हैं उनको वोट्स दिलाते हैं मेजोरिटी वोटर्स का लीडर आगे बढ़ता है सो so, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया ईच एंड एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट अपने आप को रिप्रेजेंटेशन अपना चुनने के लिए उनके पास हक दिया हुआ है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट ओके तो ये रिप्रेजेंटेशन कहां कहां पार्लियामेंट लेवल पे स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे एंड लोकल यानी कि पंचायत राज तक की लेवल लोकल यानी एकदम रूरल आपका मेयर तक का नगर सेवक हर एक जगह पे हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अलाउड है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन

ऑस्ट्रेलिया यूके आयरलैंड नॉर्वे सो कैनेडा बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशंस हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया सबसे लार्जेस्ट है, सब है क्योंकि सिंपल सी बात है इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है सो पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो अपने आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन जाता है ओके द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पोलिटिकल प्रोसेस एंड पोलिटिकल कॉम्पिटिशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट तो फिर से यहां पर एक ही वही बात कर रहे हैं कि, कि जैसे जैसे लोग और अवेयर होते जा रहे हैं और पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है यही बात हमें बताता है कि डेमोक्रेसी हमारे यहां पर सक्सेसफुली हम चला रहे हैं हम सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को चला रहे हैं ऐसा लेट्स रीड और क्या यहाँ पे दिया हुआ है राइट टू वोट तो डेमोक्रेसी का एक और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है राइट टू वोट मैंने कहा सबको हक है हेल्प ऑफ राइट टू वोट फॉर द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोविजंस एग्जिस्टेड विच रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट तो आप बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया हुआ राइट right? यानी हमारा हक हमें हक प्रोवाइड किया है प्रोविजन यानी प्रोवाइड किया हुआ है हर एक एडल्ट को वोट करने का हक दिया है इंडिपेंडेंस के पहले हमारे पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे कि कौन लोग कर सकता है वोटिंग कौन लोग नहीं कर सकता है तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे हमारे ऊपर सो so, ये सारे कैंसल कर दिए गए आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस ओके एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड एडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मैन एंड वुमेन अबाउ द एज ऑफ ट्वेंटी इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दी कि मतलब एडल्ट सफरेजल्ट को अपने वोट करने का, का मीनिंग ही होता है राइट टू वोट सबको हक है वोट करने का अपने आप पार्टिसिपेशन करने का सबको हक है ओके सो इक्वली मैन और वुमेन दोनों को ट्वेंटी वन ईयर ओके पहले ट्वेंटी वन था अभी करंटली चेंज हो गया ठीक है सो पहले का वो बता रहे कि दोनों को हक दिया है 21 इयर्स ईयर्स एज के ऊपर एडल्ट माना जाता है एंड उनको हक है कि वो वोट कर सकते हैं द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इन इंडिया तो मैंने आपको अभी बोला कि 21 पहले था फिर वो 18 हो चुका है आज की तारीख में इससे क्या हुआ कि जितने यंग और यंग जनरेशन पार्टिसिपेट करने लग गया इन द प्रोसेस ऑफ यू नो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया और ये इनका इंडिया के अंदर उनका भी हक उनका भी एक पार्टिसिपेशन उनका भी रिप्रेजेंटेशन चालू हो गया इन द कंट्री सच प्रोविजन है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड मैंने आपको अभी बता दिया कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन तो जितने भी दूसरे डेमोक्रेटिक नेशन है सबसे ज्यादा हमारे यहां पे ही पॉपुलेशन uh, है इसलिए हमारे यहां पे ही सबसे ज्यादा वोटर्स है इसीलिए इट मेक्स इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्किंग सक्सेसफुली चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट आल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स दीज पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड कंपीट इन द पोलिटिकल स्पीय सो अब ये बता रहे कि ये जो इंक्रीज हो रहा है ये सिर्फ एक क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है ये क्वालिटी वाइज भी इंक्रीज हो रहा है, बेटर, बेटर पीपल आते जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर बेटर यूथ आते जा रहा है एजुकेटेड यूथ आते जा रहा है एजुकेटेड मिनिस्टर्स आते जा रहे हैं एंड बेटर क्वालिटी बेटर होते जा रही है सो so ये पार्टीज फिर आपस में कंपीट करती है हमारे यहां पे पॉलिटिकल स्पीय में That was right to vote. आगे पढ़ेंगे डिसेंट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी तो पहले क्या होता है समझते हैं उसको समझने के लिए पहले देखेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है सेंट्रलाइजेशन यानी कि पूरा पावर एक जगह पे सेंटर सारा पावर एक के पास समझो अगर मेरे अंडर पांच लोग काम करते हैं उनके अंडर और दस लोग काम करते हैं तो सारा पावर मैंने मेरे पास रखा हुआ है जो मैं बोलूंगा वो सब लोग नीचे तक फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डी ये होता है कि मैंने इंडिविजुअली पांचों को बोल दिया है कि आप लोग अपने अंडर के लोगों को देखेंगे आप लोग उनको गाइड करेंगे मेरे से उनका कोई खास ज्यादा रिलेशन नहीं है मेन डायरेक्ट बात नहीं होगी आप लोग वो नीचे देखेंगे तो ये जो मैंने पावर डिविजन कर दिया ये जो मैंने पावर डिवीजन कर दिया उसको कहा जाता है डी सो डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या वो अभी पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो यहां पर देखो ये कंफ्यूजिंग है डिसेंट्रलाइजेशन इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मीनिंग यहां पे समझो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका मेन मुद्दा मुद्दा सेंटर मुद्दा क्या है डिसेंट्रलाइजेशन ये लॉजिक समझो ठीक है कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे लोग ने बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये हमारा मेन मुद्दा है कि हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना है पावर को बांट देना है

तो डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे वाले मुझे रोक सकते हैं क्योंकि वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे सो so, इस तरह से कॉमन पीपल तक पूरा वो जाता है वोटिंग कॉमन लेवल पे ग्राउंड लेवल पे होती है वो उसमें से सिलेक्टेड लोग आगे बढ़ते हैं उसमें से मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स कैबिनेट और उसमें से प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ता है तो so, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डी तो पहले तो देखिए सिविक्स टॉपिक जो है बच्चों को आ, सबसे सबसे पता नहीं लाइक थोड़ा सा टफ लगता है 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 लेकिन समझो ज्यादा स्कोरिंग क्योंकि सिविक्स का एक फिक्स सेक्शन होने वाला है आपका फाइव और फाइव टू सिक्स है तो वो लिमिटेड चैप्टर्स है पहली बात और वो फिक्स सेक्शन अलग से आने वाला है हिस्ट्री और सिविक्स अलग आने वाला तो सिविक्स का फिक्स मार्क्स है आपके पास तो मेरे हिसाब से आप सिविक्स को सबसे पहले यू you नो know, अच्छी तरह से हिस्ट्री से पहले मैं तो सिविक्स को अच्छी तरह से पढ़िए और उसको आप कंप्लीट uh, करिएगा तो उसको इग्नोर मत करिएगा वो सिविक्स इग्नोर मत करिएगा सिविक्स में क्या है टेक्निकल वर्ड बहुत ज्यादा है हम हमेशा बात करते हैं टेक्निकल वर्ड्स की हर सब्जेक्ट में टेक्निकल वर्ड्स की तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स है एक बार आप वो वर्ड्स को पकड़ लो एक बार वो वर्ड्स को तोड़ लो ना तो इससे सिंपल फिर आपको कुछ लगेगा नहीं आप खुद सेंटेंस फॉर्म करने लग जाओगे तो ये मेरी बात याद रखना तो यहां पे देखो एक लाइन लिखी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक तो समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है वॉट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डायरेक्शन दे रहा है डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन दे रहा है किसको डायरेक्शन दे रहा है बाबा हमको हम सिटीजन हम जो लॉ में लॉ uh, चला रहे ये पूरा कंट्री जो चला रहे पॉलिटिशियंस लोग उनको एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स यानी गाइडलाइंस हमने बना के रखी रूल्स बना के रखे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यानी कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है तो हर एक स्टेट स्टेट पॉलिसी यानी कि हर एक स्टेट के अंदर स्टेट कैसे वर्क करना है कैसे क्या सिस्टम चलाना है कैसे लोगों को लोगों तक बात पहुंचानी है या लोगों की बात हम तक पहुंचानी है या उनको क्या क्या राइट्स देने हैं उनको क्या क्या ड्यूटीज असाइन करने हैं तो ये एक बेसिकली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है एक स्टेट का दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो करीब ट्वेंटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ओके okay, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक एक प्रोविजन है तो प्रोविजन यानी कि जो हमें प्रोवाइड किया गया है सो तो अलग अलग प्रोविजन है उसमें से एक प्रोविजन इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो ऐसा यहां पे ये लाइन बोल रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी मैंशन है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज होना चाहिए यानी कि पावर शुड बी डिवाइडेड पावर शुड बी डिवाइडेड पावर शुड बी डिवाइडेड टू द लोअर सेक्शन लोअर सेक्शन तक पावर डिवाइड हो जाना चाहिए ओके दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं ओके नाउ वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग अब उसी में से एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक जेन्यून डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अ रियालिटी तो ये कैसे पॉसिबल है यानी नीचे तक जाना तो नीचे कौन बचता है लास्ट में इट इज द लोकल लोकल मतलब आपके आसपास आपके आसपास मेरे अभी यहाँ पे मेरे एरिया में मेरे यहाँ पे मेयर अलग है आपके यहाँ पे मेयर अलग है नगर सेवक अलग है तो ये लोकल लेवल का सेल्फ गवर्नमेंट हर एक नगर सेवक अपने एरिया का हर एक मेयर अपने एरिया का गवर्न गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन अपने एरिया का चलाता है सब कुछ ओके सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक पावर पहुंचाना यानी कि कि किसी को पावर देना का क्या था? किसी को पावर देना so, उनको, को करो ये एक प्रोविजन दिया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प वेर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सो इंडिपेंडेंस के बाद हमने यही डायरेक्शन में काम किया कि हम कैसे डेमोक्रेसी को नीचे के लेवल तक लेके जाए वन सच अटेम्प्ट इज सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब अमेंडमेंट वर्ड देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करते रहना सो सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट जब हमने किया था उसके अंदर हमने लोकल गवर्नमेंट रूरल गवर्नमेंट अर्बन गवर्नमेंट को पावर दी थी कि आप कैसे और बेटर तरीके से आ, रूल कर सकते हो गवर्न कर सकते हो ओके विच गेव द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू लोकल एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंक्रीज पावर तो यही बात मैंने अब भी आपको बताई कि ये अमेंडमेंट में हमने ये अमेंडमेंट ये जो चेंजेस किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चेंजेस के दौरान हमने क्या चेंज किया हमने लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को पावर दिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पावर दिए ताकि वो लोगों से और बेटर डील कर सके ओके ये क्यों किया हमने ये हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए हमारा पूरी तरह से एक्चुअल प्रैक्टिस में आ जाए इसीलिए हमने ये किया ओके लेट्स रीड अहेड राइट टू इंफॉर्मेशन सो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या ये ब्लू बॉक्स भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कैन यू टेल द रीजन फॉर द फॉलोइंग चेंजेस तो आपको ये बताना है तो हो सके तो आप ही थोड़ा सा ये, uh, uh, जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ये ये चीज सो so, हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में थोड़ा बोला सब सीट आर कैप रिजर्व फॉर वुमेन टू इंक्रीज दर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस तो आप बताइए कि क्यों वुमन्स के लिए हमने ये पार्टिसिपेशन uh, बढ़ाने के लिए सीट्स रखे हुए है क्शन ऑफ द सोसाइटी सो दट दे कैन गेट शेयर इन द पोलिटिकल पावर तो ये भी आप बताइए कि ऐसा क्यों ये सारे क्यों मतलब चेंजेस किए गए हैं द स्टेट इलेक्शन कमीशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है बेसिकली इलेक्शन होता है तो हर एक स्टेट पे एक स्टेट कमीशन uh, ये इलेक्शन uh, कमीशन होता है जो देखता है कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं अच्छी तरह से हो रहे फेयर मीन से हो रहे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा कोई तो ये पूरा अलग कमीशन ही बना हुआ है सो so, ये गवर्नमेंट से अलग होता है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है वो अलग एक ऑटोनोमस उसको ऑटोनोमस बॉडी बोलता है उसके ऊपर गवर्नमेंट पे कोई उनका रा, राइट्स नहीं होता है एक बार वो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा अलग हो गया वो अलग ही रहता है सो so ये भी और आप डिटेल में थोड़ा इसका बारे में आप रिसर्च करिएगा और रीजन बताइएगा कमेंट सेक्शन में द इलेवेंथ अंडर ट्वेल्थ स्केड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऊपर एक्चुअली जो मैंने आपको बताया ट्वेंटी थर्ड एंड सॉरी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट जो था उससे रिलेटेड ही ये है

ओके okay, आगे पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, माना जाता है ये डेमोक्रेटिक पावर लोगों तक पहुंचाने के लिए तो क्या है ये सिंपल सा उसका नाम राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि हर एक सिटीजन को हक है हर एक इंसान को हक है किसी को भी क्वेश्चन करने का कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का लेट्स से कि कोई हॉस्पिटल uh, है ओके okay, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकती है कुछ भी हो सकता है लेट्स से एक हॉस्पिटल है मेरे एरिया में वहां पर बहुत सारे यू नो केसेस आए हैं एंड वो बहुत uh, मतलब बहुत वहां पे uh, भीड़ वगैरह होती है एंड मुझे जानना है कि ये लोग कितना जेन्यूनली कुछ काम कर रहे हैं कि ये फेक है कि क्या है इनका कितना प्रॉफिट है मुझे उनके बारे में बेसिकली डिटेल जाननी उनके बिजनेस के बारे में डिटेल जाननी सो आई डू इज दैट आई फाइल आर टी आई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आरटीआई फाइल उसको कहा जाता है आरटीआई फाइल करूंगा कि मुझे फलाना फलाना हॉस्पिटल के बारे में डिटेल जाननी है सो so मुझे एज अ सिटीजन उनकी सारी डिटेल मिलेगी कि वो कैसे काम कर रहे हैं उनका कितना प्रॉफिट हुआ था उन लोगों ने कितने पेशेंट्स रखे थे उन्होंने क्या चार्जेस रखा हुआ किस हिसाब से चार्ज रखा हुआ क्यों रखा हुआ है वो सारी डिटेल मुझे मिलेगी दैट इज इंफॉर्मेशन तो मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन सो ये 2005 में हुआ था लेट्स सी उसमें क्या है

सिटीजन गवर्नमेंट के साथ इंटरक्ट कर सके वो दोनों का इंटरेक्शन हो तो आर एक तरह से हम गवर्नमेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं ओके कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन सिटीजन एंड एंड गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेसी बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट देम सिंपल सी बात है अगर जिससे कम्युनिकेशन बढ़ेगा उससे हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अच्छा बैलेंस रहेगा और वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना उनका रिलेशन बेटर होगा फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट तो मैं गवर्नमेंट को भी मैं अगर मुझे जानना चाहता हूं कि कोई गवर्नमेंट फॉर्म में या कोई गवर्नमेंट एनजीओ या कहीं पर भी कुछ भी मुझे जानना है कि कैसे उस नेता ने इतना क्या कैसे किया या जो भी मुझे जानना है मैं आर फाइल कर सकता हूँ पर्टिकुलर नाम पे और वो एनोइनिमस होता है एनोइनिमस यानी कि लोग किसी को पता नहीं पड़ेगा कि किसने पूछा है ओके okay, मुझे ही पता है कि तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं पता है कि किसने आरटीआई मांगा हुआ है हॉस्पिटल को नहीं पता होगा कौन ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ये ये एनोनिमस इसलिए किया गया था था क्योंकि जब आरटीआई आया एंड बहुत लोगों ने खास करके जर्नलिस्ट लोगों ने एंड दूसरे जो एक्टिविस्ट वगैरह जो होते उन्होंने इसका काफी यूज किया था लोगों को एक्सपोज करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए किसी फ्रॉड केस या कुछ ना कुछ तो उसमें ना फिर जान का खतरा हो गया था जर्नलिस्ट वगैरह या इन लोगों को सो so, ये तो एक अलग ही टॉपिक हो गया so, अब ये होता है, मतलब पता ही किसने आर किसने आरटीआई के लिए फाइल किया हुआ है okay? uh, citizens have the right राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया the द राइट टू इंफॉर्मेशन टू citizens ऑफ इंडिया टू पर देखेंगे टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस हॉलमार्क क्या होता है देखिए फिर से बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स तो पहले तो समझिए इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स को ये हक दिया राइट दिया है कि आप हमें कुछ भी पूछ सकते हो आपको ये राइट है आप मुझे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो ताकि हमारे बीच में ट्रस्ट बना रहे हमारे बीच का ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट यानी कि जो आर पार दिख सके दैट इज कॉल्ड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे मतलब जैसे कि अगर आप लोग मेरे वीडियोज देख के अपनी पढ़ाई कर रहे हो सो आई एम अकाउंटेबल फॉर योर फर्दर स्टडीज मतलब मुझे फिर मैं मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मेरे ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आई एम अकाउंटेबल कि मैं क्या स्टेप्स लेता हूं मैं क्या पढ़ाता हूं मैं क्या नहीं मैं गलत चीजें नहीं पढ़ा पढ़ा सकता हूं क्योंकि आई एम नाउ अकाउंटेबल टू यू गाइज मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती मेरी ड्यूटी बन जाती है एक तरह से सो अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्यों ये क्यों जरूरी है क्योंकि दीज आर ये दोनों चीजें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस हॉलमार्क यानी कि एक सिंबल कि गुड गवर्नेंस क्या होती है तो गुड गवर्नेंस वो होती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या कहा जाता है दीज आर कॉल्ड द हॉलमार्क्स ये क्राइटेरिया है हॉलमार्क इज अ क्राइटेरिया जिससे हम जज करेंगे कि कोई चीज कितनी अच्छी है तो गुड गवर्नेंस के हॉलमार्क्स कौन है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आगे पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन दर्किंग ऑफ गवर्नमेंट तो सीक्रेट गवर्नमेंट सीक्रेटली कुछ काम नहीं कर रही है ओपनली सब कुछ है जिसको जो चाहिए वो पूछ सकता है कि राशन ऑफिस में कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं सिस्टम फॉलो कर रहे हैं किस हिसाब से वो लोग ने लोगों को रुका के रखा है या जो भी जो भी कोई प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है तो हम डायरेक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को एंड दे आर लाइएबल टू आंसर After the year 2000, the whole approach towards democratic reforms has changed. Democratic reforms are considered as rights of citizens. Accordingly, citizens in India have got right to information, education, food security. These rights have strengthened the democracy in India. So now saying that after 2000 key about the reform. Reform changes amend karna, change karna, reform karna, reform. form karna, that is reform. तो ये सारी चीजें एक ही मीनिंग होती है रिफॉर्म करना तो डेमोक्रेटिक में हम लोग ने बहुत सारी चेंजेस लाए और आज डेमोक्रेसी की सारे रिफॉर्म्स हमारे राइट्स हमारे हक राइट्स यानी हमारे हक माने जाते हैं और इसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन आता है राइट टू एजुकेशन आता है फूड सिक्योरिटी आती है ऐसे बहुत सारे राइट्स आते हैं ओके डू यू नो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कुछ उसमें खास है नहीं मैंने देखा था ये कि हमें राइट्स बेस्ड अप्रोच यानी कि हमारा राइट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड है वही उसमें लिखा हुआ है ओके सो सोशल आगे का टॉपिक हमारा डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी सोशल जस्टिस और इक्वालिटी क्या होता है तो मैंने आपको बताया सोशल यानी सोसाइटी सिंपल भाषा में सोशल यानी आपकी सोशल लाइफ सोशल नेटवर्किंग सोशल डिस्टेंसिंग सोशल यानी आपके आसपास के सभी लोग जब मिल जाते हैं उसे सोशल कहा जाता है सोसाइटी एक तरह से सो सोशल जस्टिस आपको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए आपको भेदभाव आपके बीच में नहीं होना चाहिए सो आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये हमारे गोल्स है ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि सोशल जस्टिस होना चाहिए कंट्री के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए कंट्री के अंदर सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द गाइडलाइंस इस

फॉलोइंग द पाथ लेन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल और हम ये रास्ते पे चलते जा रहे हैं, जो रास्ता हमारे लिए सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल तो यह सिंपल बोल रहे हैं कि जस्टिस कैसे दिया जाएगा तो इनजस्टिस वाली जितनी एलिमेंट है उसको निकाल दो तो सोशल जस्टिस मिल जाएगा और एक दूसरे को इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे को ट्रीट करे उसके ऊपर जोर दो इंसिस्ट इंसिस्ट का मतलब क्या होता है जोर देना किसी बात पे उस पर इक्वालिटी पे जोर दो तो ये हम एस्टाब्लिश कर सकते हैं ऐसा सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट ending the discrimination in social status such as superior inferior on the basis of caste religion language gender place of birth race property and giving quality of opportunities for development to every individual to so, must itna sa paragraph aapko yaad ho jana chahiye kya bol rahe hai ye log ki justice जस्टिस जब मतलब मैं बात करता हूं सोशल यानी सोसाइटी तो सोसाइटी के हमारे फ्रेगमेंट्स हो चुके हमने English poem में भी देखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी की फ्रेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो, uh, uh, you know, जो, जो कास्ट जेंडर उसको, उसको मिटा देना है उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना की कोई अगर लोअर कास्ट है या कोई गरीब है तो उसे हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे उसे हम हड़हुड़ कर देंगे उसको हम यू uh, नो you know, uh, अपने साथ साथ में जो हम टूवर्ड्स डेवलपमेंट जा रहे उसको नहीं इंक्लूड करेंगे सो so ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है ओके एंड हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना और फिर उसके बाद उनको एक्स्ट्रा आगे जाके उनको बोलना भाई तुमको भी हक है तुम भी आ जाओ इक्वल ऑपॉर्चुनिटी उनको देना एवरी इंडिविजुअल को ओके okay?

एक्सक्लूड नहीं करना है किसी को हकाल नहीं देना है किसी को भगा नहीं देना है अरे तू निकल तू गरीब आदमी तू यहाँ से दूर हो जा तू शुद्र है तू लोअर कास्ट है तू यहाँ से दूर हो जा एक्सक्लूड नहीं करना है एक्सक्लूजन की पॉलिसी नहीं अपनानी है डेमोक्रेसी का मतलब है इंक्लूजन इंक्लूजन तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेक्शन यानी कि टुकड़े सेक्शन यानी मतलब फिर से क्या होता है टुकड़े तो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ में लेके चलना है

और इसके ज, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स तो ये आप सब लोग इससे थोड़े से वाकिफ होंगे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या होता है हमारे यहाँ पे भी आप देखोगे नॉर्मल आप स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा रिजर्वेशन या सिंपल सा ट्रेन रिजर्वेशन तो आपको पता ही होगा सो so, रिजर्वेशन यानी कि रिजर्व करना रिजर्वेशन का मतलब होता है रिजर्व सर इसका मतलब क्या होता है रिजर्व मतलब बचा लेना बचा के रखना मेरे लिए बचा के रखो वो वहां पे मैं बैठूंगा तो ये होता है रिजर्वेशन करना तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का पॉलिसी क्या है तो ये है कि हमने हमारे यहाँ पे पुराने यू you नो know, पुराने टाइम से ये ब्राह्मण्स क्षत्रिय वैष्णव शुद्रज एंड लोअर कास्ट अलग उससे और वर्ण सिस्टम में जो नहीं वर्ण इसको वर्ण सिस्टम कहा जाता है इसमें नहीं इंक्लूड वो लोग तो और ही शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स जिसको हम गिनते हैं ये लोगों को हमने हमेशा से हड़हुड़ किया हुआ है तो ये हमने इतना गलत क्रूअल अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर ये सारी हरकतें हमने इतनी बुरी हरकतें की है ह्यूमैनिटी के नाम पे कि ये चीजें रोकना था ये हमने रोका लेकिन इस चीज में ये इतना लंबा खींचा चला आ गया ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया ये इतना सालों से चलते आया कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पीछे रह गया इनको एजुकेशन नहीं मिला इनको डेवलपमेंट नहीं हुआ इनका ब्रेन विकसित नहीं हुआ जितना नॉर्मल लोगों का विकसित हो गया क्योंकि इनका डेवलपमेंट हो रहा था दे आर कल्चरली एजुकेशनल वाइज और बेटर होते जा रहे थे जबकि इनको कुछ नहीं मिल रहा था इनको हमने हड़हुड़ करके रखा हुआ था सो so ये चीज अब ना हो आगे कभी ना हो और ये उस पर्टिकुलर टाइम से रोक दी जाए उसके लिए हमने एक सिस्टम निकाला रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यानी सौ सीट्स है तो उसमें से थर्टी सीट्स में फिक्स फिक्स मतलब कंफर्म बैकवर्ड एस सी एस टी वो लोगों को चांस दिया जाएगा वो लोगों को पहले चांस दिया जाएगा और बाकी के सीट्स पे जनरल कैटेगरी यानी कि जिसको मेरिट बेस पे आना है वो आ सकता है सो so, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की पॉलिसी हम पढ़ेंगे

अकॉर्डिंगली इसीलिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट सर्विस में आज की तारीख में रिजर्वेशन होता है फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एस सी एस टी बोला जाता है एंड ओबीसी भी होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस पूरा एक सेक्शन ऑफ जितने और बचे कुचे है सारे के सारे बैकवर्ड वो सबका मिला के अदर बैकवर्ड क्लासेज सेक्शन हम बोलते हैं देर इज ऑल्सो ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर ओबीसी देखो यही लिखा है अदर बैकवर्ड क्लासेस सो ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यही चीज है जिसमें हमने एस सी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी इन सबको फिक्स वहां पे जगह दी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में इतना आपको हक मिलेगा आप लोग अप्लाई करोगे आप लोग को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा सो दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और आगे उनके बारे में और डिटेल दिया इनका एक्ट जो था शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट

गलत चीजें हो रही है उसको रोकना एंड एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कोई भी इवल इनजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट अगर करोगे तो पनिशमेंट होगी सो लायबल यानी दे आर उनको पनिशमेंट पक्का है ऐसा जो उनको परेशान करेगा प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज अब माइनॉरिटीज क्या है तो समझते पहले कि देखो एक कंट्री में मेजोरिटी माइनॉरिटी तो जो यहां पे रिलीजियस मेजोरिटी माइनॉरिटी का एग्जाम्पल मैं दूंगा कि इंडिया में विच इज अ डाइवर्स कंट्री एंड सेक्युलर कंट्री यहां पर हिंदूज का मेजोरिटी है हिंदू लोग ज्यादा है एंड हिंदूज ज्यादा है तो बचे हुए रिलीजन कम हो जाएंगे नंबर में कम हो जाएंगे तो दे आर टर्म्ड एज माइनॉरिटीज इनको माइनॉरिटीज कहा जाता है ओके okay? सो so, हमने मेजोरिटी इस बात का फायदा ना उठा ले और माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं पीछे हकाल ना दे पीछे ना कर दे दबा ना दे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म जब किया उसमें ये भी हमने सारी बातें लिख दी प्रोविजन फॉर द माइनॉरिटीज यानी इनको हम क्या क्या हक देंगे इनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे कि ये मुस्लिम्स को भी हम यू नो इक्वल राइट दे रहे हैं चीजों का क्रिश्चियस uh, भी माइनॉरिटी हमारे यहाँ पे सिक्स भी माइनॉरिटी में है हमारे यहाँ पे तो ये ये सारी माइनॉरिटीज है हमारे यहाँ पे ओके लेट्स रीड दैट

और माइनॉरिटीज भी इसके अंदर आ जाती है रिलीजन भी इसके अंदर आ जाता है ओके दिस इज अ प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज फंडामेंटली प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो ये एक प्रोविजन दिया गया है माइनॉरिटीज को जो उनका फंडामेंटल फंडामेंटल यानी सबसे इंपॉर्टेंट उनका राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम राइट टू अगेंस्ट एक्सप्ल्टेशन यानी उनको को एक्सप्लोइ नहीं कर सकता एक्सप्लेशन क्या होता है किसी का गलत फायदा उठाना यानी फॉर एग्जाम्पल कोई मजदूर है अगर समझो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग ठीक है सो मुस्लिम मजदूर है तो मैं उसको और हिंदू मजदूर है मेरे पास दोनों मजदूर है तो मैं हिंदू को हंड्रेड रुपीज देता हूँ लेकिन मुस्लिम को मैं फिफ्टी रुपीज देता हूँ सेम काम करने का या मे बी ज्यादा काम करने का तो मतलब उससे ज्यादा काम करा रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ तो ये राइट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन मतलब वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है और मुझे पनिशमेंट हो सकती है सो so ये आपको समझना लॉजिक एंड कल्चरल एजुकेशन राइट भी है जिसको जो कल्चर फॉलो करना है जो करना है अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है ये सब सब राइट उनको हक दिया गया है आगे बढ़ेंगे लॉज रिलेटिंग टू वुमेन प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन तो यहां पर हम देखो हम लोग अलग अलग सेक्शन पढ़ते जा रहे हैं हमने बैकवर्ड सेक्शन पढ़ा एससी एस टी माइनोरिटीज पढ़ा एंड वुमेन तो वुमेन को भी हमने जो हमारा जो इंडियन सोसाइटी पहले का जो रहा है मतलब बहुत ही बहुत ही एक तरह से गलत रहा है पैट्रैक ही चलते आ रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि मेल डोमिनेंस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है हमारा इंडियन सोसाइटी जो रहा है सो so, वुमन को भी हमने हजारों मतलब बरसों सालों से बहुत ही ज्यादा दबा के रखा आज भी इनफैक्ट आज भी इनफैक्ट बहुत से यू uh, नो you know, घरों में कहीं ना कहीं ये चीज होती है लेकिन यू you नो know, हम हम उसके खिलाफ ज्यादा आवाज नहीं उठाते हैं एंड ये गलत है एक तरह से अगर uh, ये हो रहा है अगर कोई आज भी वुमेन को उनके राइट से छीन रहा है उनके हक से उनको वो uh, उनके हक उनको नहीं दे रहा है एजुकेशन का हक उनके चॉइस का हक उनके डिसीजन का हक यू you नो know, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही है अभी भी आफ्टर बींग ये लॉज होने के बावजूद ये हो रहा है तो इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है एजुकेशन जरूरी है और थोड़ा सा हिम्मत जरूरी है लड़ने के लिए अपने यू uh, नो you know, जो आपके खिलाफ ये सारी चीजें कर रहा है तो ये चीजें यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि वुमेन्स लोग के लिए वुमेन लोग के लिए वुमेन लोग के, लो के लिए वो लोग ने लॉस uh, क्या है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिपेंडेंस के बाद एफर्ट्स वेर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन वुमेन को और पावर देने के लिए ताकि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए वो हमारे साथ वर्क एनवायरमेंट में आए वो हमारे साथ पॉलिटिक्स में आए वो हमारे साथ हर एक फील्ड में आगे बढ़े सो एम्पावरिंग वुमेन टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द प्रॉब ऑफ वुमेन सेवरल पॉलिसीज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव इलिटरेसी अमॉन्ग वुमेन एंड टू मेक अवेलेबल अपर्चुनिटीज फॉर दै डेवलपमेंट तो मैंने बोला कि जैसे स्टार्टिंग में हमने वुमेन को इतना दबाया उनको कभी पढ़ने दिया ही नहीं पंद्रह साल चौदह साल होते थे उनकी शादी करा के बाल विवाह कर देते थे चाइल्ड मैरिज कर देते थे, थे और उनको हम लोग यू नो घर गर गृहस्थी में संभालने दे देते थे एंड ये सारा चलते आ रहा था सो so, इसमें कभी आज भी जगह पे बच्चों को गर्ल्स को मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता है कि तुम्हें तुम क्या कर लोगी पढ़ के तुम्हें तो चूल्हा चौका ही संभालना है किचन ही संभालना है शादी के बाद तो so, ये जो एटीट्यूड है हमारे यहाँ पे ये गलत एटीट्यूड है और ये आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट है हमारे सोसाइटी में सो ये जानिए आप लोग कि कोई आपको रोक नहीं सकता एजुकेशन पाने से कोई वुमेन को रोक नहीं सकता है आपके पास हक है अपॉर्चुनिटीज right आपसे कोई, आप कोई छीन नहीं सकता है ओके लेट्स रीड है सो ये इसके अंदर हमने इलिटरेसी हटाने के लिए यह किया आगे द राइट टू एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड तो ये अभी देखिए पहले तो आ, कैसा होता था कि बेटे का ही सारा हक होता था फादर की प्रॉपर्टी पे सो तो अब ऐसा नहीं है अब डॉटर भी मांग सकती है इक्वल शेयर मांग सकती है आ, अपने फादर से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट डाउरी क्या है तो हमारे यहाँ पे ये एक दहेज का जो सिस्टम है दहेज ये भी हमारे यहाँ पे यूपी में भी अभी तक चलता है कहीं ना कहीं बहुत ही आ, अब बस बोलते नहीं है वो बस बोलते हैं क्या देना क्या लेना बस एक गाड़ी दे दो दो बंगला दे दो ऐसी बात करते वो वर्ड यूज नहीं करते कि दहेज ले रहे हैं बट होता तो दहेज ही है वो सो so ये डाउरी सिस्टम जो है ये भी प्रोहिबिशन यानी रोक रोकना उसको तो डाउरी को रोकने का एक्ट भी है तो ये सारी चीजें जो है वुमेन को थोड़ा सा स्ट्रांग होके लड़ना चाहिए अगर उनके साथ ये हो रहा है कहीं ना कहीं तो फैमिलीज को भी ये समझना चाहिए ये मेंटालिटी बदलनी चाहिए ये यहाँ पे ये अभी तक ना बहुत लोगों का चेंज नहीं हो इंडियन में आ, ये अभी तक वो जनरेशन बाकी है जो यहाँ का वो लोग का चेंज नहीं हुआ अभी तक तो ये सारी चीजें समझनी है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक्ट अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट सो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शुअल हरासमेंट यानी किसी भी तरह से आप वुमेन को उसकी इंटीग्री डिग्रिटी को हार्म करते हो उसको Uh, uh, उसके रिस्पेक्ट उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो वो को is, uh, में वो आ सकता है पूरा तो ये आपको आज की तारीख में देख रहा हूं अभी रिसेंटली uh, वो एक uh, किसी ने कॉमेडी uh, कॉमेडियन के ऊपर uh, रेप थ्रेट्स दिए एंड बहुत सारी घटिया बातें की सो ये गलत है ये समझिए आप ये बहुत गलत है राइट टू एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम टू स्पीच ये सारा जो फ्रीडम टू स्पीच ये सब का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पे आप गाली गलोच में बात करते हो आप आ, गंदी गंदी यू नो you know, टर्म्स बोलते हो फॉर वुमेन तो ये सब चीजें नहीं ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है द वर्स्ट पार्ट इसमें यह है कि लोग जो उसे देखते हैं उसे और ताली देके और सपोर्ट करते हैं और हंसते हा 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 क्या प्यारा सा जोक मारा है वाओ कितना अच्छा बोल रहा है गाली गलोच कर रहा है तो। so, ये तो सो ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है थोड़ी सी दोनों तरफ से गलती है बोलने वाले तो गलत है ही जो उनको सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो और ज्यादा गलत है और फिर उसी पे अगर किसी ने अब उस कोई तो आई द नेम शुभम करके नाम था शायद से गुजरात का केस अभी दो तीन दिन पहले की बात है सो so, एक कॉमेडियन पे उसने कुछ कमेंट्स किया वीडियो बनाया वीडियो वायरल हुआ फिर वो वीडियो वायरल हुआ तो किसी ने कंप्लेन कर दी पुलिस ने जाके उसको गिरफ्तार कर दिया उसको डिटेन कर दिया सो so, ये सारा चीज हो गया सो ओके इज गुड थिंग के लोगों ने एक्शन उठाया और और उसका वीडियो डाउन लिया और उसको गिरफ्तार किया बट एट द फर्स्ट प्लेस ये होना ही नहीं चाहिए था हमें ये समझना है कि वुमेन या किसी को भी इनफैक्ट रोस्टिंग वाला जो ये कल्चर है ये बहुत ही गलत कल्चर है रोस्टिंग का जो कल्चर है ये बहुत ही गलत कल्चर है तो ये सारी चीज लोग अप्रिशिएट करते उनको मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ व्यूज दिलाते हैं लाइक्स करते शेयर करते ये चीजें शेयर ही नहीं करनी चाहिए यार पहली बात खुद मत देखो और देख के आगे भेजो भी मत तुमको अच्छा नहीं लगा तो भी मत भेजो उसको रोक दो वो चेन तोड़ दो वायरल ही मत होने दो सो so, ऐसी चीजों को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए मेरा ऐसा मानना है गाली गलोच वाले वीडियोस वगैरह जो है जिसमें एक दूसरे को हम फिर नॉट ओनली वुमेन किसी को भी अगर गाली गलोच कर रहे या कुछ कर रहे ये सारी चीजें नहीं प्रमोट करनी चाहिए सो यहां पर प्रोहिबिश uh, एक्ट अलग अलग दूसरा हम देखेंगे सेक्सुअल हेरेसमेंट हमने देखा सेक्शुअल हेरेसमेंट आप किसी को छेड़ आपने सिटी बजाई या किसी को वर्बली अब कर दिया सो so, ये सारी चीज सेक्शुअल हेरासमेंट में आती है तो so, ये चीजें मतलब यू you नो know, नहीं करनी है डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे वुमेन को इतना दबाया जाता था हमेशा से माना जाता था मेल डोमिनेटिंग मैंने जो कहा वो ही करना है ये वाला पॉलिसी हमारे घरों में चलते आया है ये है एंड ही रीजन जिसमें मैन मैन ने uh, मर्दों ने मर्दों सोच लिया कि मैंने जो बोला वो सही है और ये उनको uh, गलत फहमी हो गई उनका इगोइज्म मेल ईगो इतना बढ़ गया कि वो हाथ उठाने लग गया सो डोमेस्टिक वायलेंस इज बेसिकली घर पे आपके मारना अपनी बहन अपने मॉम अपनी बीवी ये करना दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस सो ये नहीं कर सकते हो आप किसी को मार नहीं सकते हो वुमेन को आप मार नहीं सकते हो किसी को भी मार नहीं सकते हो सो so ये डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट भी फिर से वुमेन को बचाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि वो फ्रीडम में रह सके उनका वो सिक्योर और वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके ओके okay? उनके लिए फेवरेबल एनवायरमेंट रहे So, ये चीजें आप लोग भी ध्यान रखिए सारे बच्चे आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो आप गुड थॉट लेके आगे बढ़ोगे तो नेशन अच्छे डायरेक्शन में बढ़ेगा लेट्स मूव अहेड

पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाए इन दट पॉलिटिक्स तो उसके लिए क्या किया तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन कर दिया फ्रॉम दिस चेंजेस ऑफ़ टेकिंग प्लेस इन द इंडिया द थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट जो हमने ऊपर भी देखा था वो तभी हमने दूसरा एक अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट के टाइम पे हमने दूसरा क्या किया था में? 33 एक 33 क्या बोलते हैं नेता बनने का मौका मिलना चाहिए दिस परसेंट हेज बीन रेज टू फिफ्टी परसेंट और कुछ कुछ स्टेट्स में तो ये फिफ्टी परसेंट कर दिया मतलब फिफ्टी परसेंट तक वुमन पार्टिसिपेट कर सकती है और खास करके हमारे यहाँ पे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी

पावर पहुंचाना ऑफ पावर करना उसमें वुमेन को घर घर तक ये हक देना कि तुमको कोई मार नहीं सकता तुम्हारा पति तुम पे हाथ नहीं उठा सकता तुम्हारे घर वाले तुम पे हाथ नहीं उठा सकते तुम्हारे पास लॉ है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आप लोग आवाज उठाइए और फ्रीडम को मतलब यू नो फ्रीडम से जी जीए। तो ये चीज डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि पावर जो पावर है वो हमने ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया

आपके घर में आपको कोई ऐसा नहीं बोल सकता आपके पास हक है अपने लिए लड़ने का एंड एंड द स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मेक इंक्लूसिव इन ट्रू सेंस और ये सारी चीजों के वजह से ही इंडियन डेमोक्रेसी इंक्लूसिव इंक्लूसिव वर्ड अब हम सीख चुके क्या होता है आपको समझना है इंक्लूसिव बन चुका है इन ट्रू सेंस सबको इंक्लूड कर दिया वुमेन माइनॉरिटीज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सबको इंक्लूड करके

पार्टिसिपेट uh, करने आते हैं इतने लोग पार्ट लेते हैं दैट इज 66 एमपीस थे बाय 2014 सो so ये थोड़ा सा आप देखिएगा रेफर करिएगा यहां पे थोड़े से सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है मिनिमम मैक्सिमम के बारे में सो दैट वाज द एंड ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी अब पढ़ेंगे द लास्ट थर्ड टॉपिक रोल ऑफ जुडिशरी तो जुडिशरी क्या होता है ये समझते हैं जुडिशरी यानी कि हमारा पहली बात तो पूरा फंक्शनिंग जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें हमने डिवीजन कर दिया है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तो जुडिशियरी वो है बेसिकली सिस्टम को देखता है कि लॉ जिसने तोड़ा उसको पनिशमेंट देगा इन शॉर्ट आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यू नो ये सारा कोर्ट सिस्टम जो पूरा आ जाता है लॉ लॉयर्स लोग का जो आ जाता है दैट इज पूरा जुडिशियरी उसको कहा जाता है जो जस्टिस नहीं हुआ उसको जस्टिस दिलाएगा इन शॉर्ट जस्टिस दिलाने का सिस्टम इज योर ओके तो आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये ये पूरा सिस्टम कोर्ट्सिशरी कहा जाता है द जुडिशियरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड हेल्पिंग टू मेक टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्बेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी तो जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने का सोशल जस्टिस लाने का और इक्वालिटी लाने का

तो ये बात देखो मैंने पहले ही बता दी स्टार्टिंग में आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहता है बार बार इतना एक्टिव इतना डायनेमिक इन नेचर उसको बोलते हैं ऐसी चीज को डायनेमिक इन नेचर बोलते हैं जिसके लेवल्स बहुत सारे हैं जो बार बार कंटिन्यूअसली एक्टिवली चेंज होते रहेगा उसे डायनेमिक इन नेचर कहा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक इन नेचर इट इज अविंग डॉक्यूमेंट लिविंग यानी जिंदा डॉक्यूमेंट है जिंदा इन सेंस सांस ले रहा है ऐसा नहीं इसका मतलब वो चेंज हो हो के बेटर और बेहतर बनते जा रहा है ना तो लिविंग डॉक्यूमेंट उसे कहा गया है ओके द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द पार्लियामेंट तो देखो वो लाइन नीचे एक्सप्लेन भी कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होना पड़ेगा जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाएगा

ये फिर अमेंड होता है अमेंड यानी चेंज तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाता है तो so ये जो पूरा सिस्टम है ये पार्लियामेंट को ये राइट right दिया हुआ है करने का ये हक दिया हुआ है और ये एक्सेप्ट किया हुआ है जुडिशरी ने साथ ही साथ जुडिशरी ये भी देखता है कि पार्लियामेंट्री अपना पावर का लिमिट अच्छी तरह से याद रखे उसके बाहर काम ना करे द जुडिशरी हैजेक स्टैंड दार्लिमेंट्री वाइल अमेंडिंग अमेंड देखो वर्ड आया amending यानी चेंज करना amending the constitution cannot alter the basic structure of the constitution यानी कि amend चेंज करना मतलब ऐसा नहीं होता पूरा पूरा का पूरा मेन मुद्दा ही हटा दिया यानी कि उसके अंदर लिखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी तो अमेंडमेंट के नाम पे माइनॉरिटी का पूरा हटा ही दिया हमने कांसेप्ट ये नहीं होता इसका मतलब अल्टரேशन नहीं होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हटना चाहिए जो मेन रूल्स है वो रहेंगे उसके आसपास जो टाइम के हिसाब से चेंजेस चाहिए थोड़े बहुत वो चेंज करते आएंगे दैट इज अमेंडमेंट ओके तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए प्लीज अंडरस्टैंड क्या है तो मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है दैट इंडिया इज रिपब्लिकन रिपब्लिकन एक हम कंट्री है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रहेगा हमारे यहाँ पे हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर ही रहेगा फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि हमने कंट्री को डिवाइड कर दिया फेडरल्स में फेडरल्स यानी स्टेट्स स्टेट्स को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया नगर्स यू नो uh, you know? Uh, नगर मतलब टाउन नगर में नगर फिर अलग अलग ये जो डिविजन होते जा रहा है ग्राउंड लेवल तक का विलेजेस में अलग अलग सो so ये जो पूरा दैट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो ये हमने पूरा डिविजन करके रखा है प्रमोशन ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हमेशा यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को प्रमोट किया जाएगा सोवेरे सोवरेनिटी ऑफ द नेशन तो ये वर्ड बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है सोवरेन सोवरेन इसको वर्ड क्या बोलते हैं सोवरेन सोबरेनिटी ऑफ नेशन यानी कि इसका मीनिंग सिंपल है सोवरेन का मतलब होता है खुद खुद हम अपने आप को चलाएंगे खुद गवर्नमेंट चलाएंगे हम पे कोई रूल नहीं करेगा ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे दैट वॉज नॉट सोवेरन हमने उनको बोला तुम लोग निकलो हम लोग खुद अपना चला लेंगे दिस इज कॉल्ड सोवेरेन तो सोवरेन ऑफ द नेशन तो हमारे यहाँ पे सोवेरिनिटी होगी हम, हो हम लोग हमेशा खुद ही अपने आप को रूल करेंगे ओके okay? कैसे रूल करेंगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रूल करेंगे सेक्युलरिज्म है अपने आप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म यानी जिसको जो चाहिए जो रिलीजन फॉलो करना है जो कल्चर फॉलो करना है वो चीज वो कर सकता है उसको कोई रोक टोक नहीं है दैट इज सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी यानी कि हम ये बात भी समझते हैं सबसे ऊपर हमारा माए बाप कौन है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है ना गवर्नमेंट है ना कोई पॉलिटिशियन है ना कोई कोई नहीं आता है सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन उसी को फॉलो करेंगे तो ये मेन बात नहीं चेंज कर सकते हो अमेंडमेंट के अंदर ये मेन बात बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो आप पॉइंट नीचे देखेंगे द सिग्निफिकेंट जुडिशियलिफिकेंट डिसीजन तो कौन से कौन से से ने सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए है वो देखेंगे ज्यादा नहीं अभी छोटा सा ही है द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय फंडाम राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशियरी सम ऑफ द इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ विच द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट इंक्लूड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर डिग्निटी ऑफ वुमेन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट तो ये सिंपल सा क्या बोल रहे हैं कि जुडिशरी ने ये सारे लॉस को जब गलत हुआ था इनजस्टिस हो रहा था तो उसके ऊपर जस्टिस अपना नया लॉ पास करते हुए अपना जजमेंट अपना जहाँ आता है ना सुप्रीम कोर्ट पासिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट पास किया तो ये जजमेंट जो पास करता है इसके हेल्प से जुडिशरी ने जो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह हेल्प किया वो राइट्स राइट चिल्ड्रन बच्चों के हक चाइल्ड लेबर नहीं करने का ये सारी चीजें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के तरह हमारा हमारा ह्यूमन राइट्स है मतलब जो बेसिक हमारे ह्यूमन राइट्स है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसको बचाने का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट्स को बचाने का प्रोटेक्शन ओके okay?

ओके सो ये ब्लू बॉक्स में भी एक सिंपल इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये समझना जरूरी है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस और बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिस सो फीचर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस वॉट शुड बी डन टू ब्रिंग अ गुड गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी सो आपको क्वेश्चन भी पूछा और नीचे कुछ खुद वो लोग ने पॉइंट भी दिया हुआ है सो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए इफेक्टिव इफेन्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिबल यानी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिस्पॉसिव यानी रिस्पॉन्ड उसने देखेगा ना तो रिस्पॉन्ड करना होता है तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मतलब मैंने गवर्नमेंट को कुछ पूछा तो उसको मुझे रिप्लाई करना है उसको respond करना है है दैट इज और ऊपर वर्ड दिया हुआ है, responsible, तो दोनों में फर्क है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वर्किंग ऑफ ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए सबको लेके साथ चलना है पीपल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग में तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है सो इन दिस चैप्टर वी टू कर रिव्यू हमने खाली ऊपर से देखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है गवर्नमेंट कैसे काम करती है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कैसे करता है ये सारी चीजें हमने देखी देर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी फिर भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है जैसे मैंने कहा कि अभी भी इतने लॉज होने के बावजूद सारे एक्ट होने के बावजूद हमारे यहाँ पे ये सारी चलते आ रही चीजें डाउरी वुमन को परेशान करना रेप्स एंड जो जितनी जितनी सारी, सारी सब नेगेटिव चीजें हमने यहाँ पे चलती आ रही है ये अभी भी चल रही है दीज आर द चैलेंजेस हमारे आगे ये चैलेंज का काम है ये चैलेंज है हमारे सामने हमें बहुत ही अच्छी तरह से वेल एजुकेट होके अच्छी तरह से उसको टैकल करना है और उससे आगे बढ़ना है ओके गवर्नमेंट्स एक्ट पॉलिसी हैव नॉट पुट एन एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स तो गवर्नमेंट की एक्ट पॉलिसी से ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है देर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग डेली न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रही है हावे गो वॉट इज इंपॉर्टेंट लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल इन इंडिया हैव डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट लेकिन आज की तारीख में लोग एक्टिव है यूथ आज की तारीख में एक्टिव है लेकिन साथ ही साथ यूथ बड़े आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है देखिए एक बात याद रखिए लाइफ में मोरल्स अपने करेक्ट करिए मोरल्स क्या गुड व्हाट इज गुड थिंग व्हाट इज बैड थिंग ये क्लियर रखिए सो यू नो जो इंसिडेंट की हमने बात की ऊपर पहले वो इट इज नॉट अ गुड बिहेवियर और उसको सपोर्ट करने वाले लोग भी गलत और वो कॉमेडियन का भी जो बात है उसने कुछ हिंदू धर्म के खिलाफ रिलीजियस सेंटीमेंट्स लोगों के हर्ट किए तो ये भी गलत है यार उसने भी गलत किया कॉमेडियन ने वो सो तो ये सारी बात समझिए कि आप ही यूथ हो आप ही उस चीज को प्रमोट कर रहे हो मीम्स से या वीडियो शेयर करके सो तो ये चीज ही मत करो सो तो ये समझना है हमें कि क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है हैव गुड मोरल्स उससे दूर रहो बुरी चीज से दूर रहो पहले से ही सो तो ये माइंडसेट और बेटर करना है यहाँ पे आप लोग फ्यूचर हो हमारा ओके डेवलप अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट तो आ चुका है और बेटर होते जाना है इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्शन प्रोसेस सीखेंगे एंड और बेटर हम ये करते रहेंगे होप आपको मजा आया होगा चैप्टर समझ में आया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा चैप्टर एंड uh, इसी तरह से हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे थोड़ा सा यू you नो know, सारे सब्जेक्ट मैं खुद अकेला करता हूँ तो थोड़ा से आपको पेशेंस रखना है कि मैं हर एक हिस्ट्री जोग्राफी हर एक का एक एक चैप्टर करते जाऊंगा ओके कीप सपोर्टिंग गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बींग एंड बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी होती है आप जब कमेंट करते हो लाइक करते हो एंड थैंक यू सो मच एवरी मुझे uh, फिलहाल उतने uh, नाम याद नहीं आ रहे बट दे रिपीट व्यूअर्स है मेरे कुछ सो देर इज समर जे आर्मी करके एक है नम्रता करके एक है सो देर आर फ्यू पीपल जो बैक टू बैक आई सी दमेंट्स सो थैंक यू सो मच ऑल कीप सपोर्टिंग एंड मैं ऐसे ही विडियोज बनाते रहूंगा लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है थैंक यू सो मच साइन आउट बी गुड बाय